पर दर्ज की गई, जहां सीपीआई माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने वीआईपी के वरुण कुमार झा को 53,557 वोटों से हराया। सीपीआई माले के महबूब आलम बलरामपुर सीट से, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है बलरामपुर सीट। आइए, बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर, सबसे छोटा मार्जिन से हिलसा दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण मुरारी शरण ने जदयू के राजद के शक्ति सिंह यादव को हराया हिलसा से। ठीक है, पुरुदल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी और बाकीपुर सीट से चुनाव हार गई। पुष्पम प्रिया दो जगह, बिस्फी और बाकीपुर से। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ? 25 सितंबर 2020, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर 16 जिले 17, ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। 3 नवंबर में 17 जिले 94 सीटों के लिए तथा 7 नवंबर 2020 को 5 जिले 78 सीटों के लिए। 3 चरण में हुए चुनाव के परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित हुआ। इस कुल 7,18,00,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, ये लगभग में है। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें। ठीक है, 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने सातवीं बार शपथ ली। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें 5 जनता दल यू से और 7 भाजपा से, 1 एचएम से तथा 1 वीआईपी से शामिल है। भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उपमंत्री के रूप में शपथ ली। ये विधायक तारकिशोर प्रसाद 2 उप मुख्यमंत्री थे और रेणु देवी। इस चुनाव में 3,733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थी। चुनाव में 59.39% महिलाओं ने वोट दिया। देखिए, उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% 26 सीटें आई। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.0% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान 54.68%, 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे 66। इस चुनाव 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। तो ये रहा कुल बिहार से संबंधित पुरस्कार, देख लेते हैं और एक एक करके डिस्क्रिप्शन की सारी वीडियो को आप प्रैक्टिस कर जाइए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, इसको मिला डॉक्टर विद्या लक्ष्मी, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए धीरज कुमार को मिला, वीरता के लिए बेतिया के हैं। और पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए मिला है, छपड़ा के हैं पल साक्षी। 2021 के लिए ज्योति कुमारी वीरता के लिए, इन्हें साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। ज्योति कुमारी दरभंगा की है, साइकिल गर्ल के रूप में जाना जाता है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हार्ड, पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी। अब इस तरह की चीज़ें कैसे याद होगी? तो बार बार सुनने से याद होगी, बार लिखने से याद होगी, इसलिए मैं बोलता हूँ 10-15 बार सुनिए तो आपको याद ही हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणी गंध सुपौल के शिक्षक निशु कुमारी
निशी कुमार कुमला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार।